नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे आपको पांच शेयर जिसमें अभी भारी तेजी देखने मिली है, मतलब काफी तेजी है इन सारे स्टॉक्स में। आपको इन सारे स्टॉक्स में आप तेजी देखेंगे तो 100 पॉइंट का मतलब 100 रुपये का तेजी एक दिन में, 5% का तेजी एक दिन में। ऐसे ही स्टॉक्स को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुल पाँच स्टॉक है जिसमें अभी भयंकर तेजी देखने मिल रही है। चलिए इन पाँचों स्टॉक्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको स्टॉक मार्केट से लगातार अपडेट रहना बहुत ही बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। देख सकते हैं 60 पॉइंट की तेजी आज भी इसमें देखने मिली और आज ये नया एक रिकॉर्ड बनाया। 12 ट्रिलियन, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ भी 12 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसको क्रॉस कर गया। पहली भारतीय कंपनी है जो 10 ट्रिलियन, 11 ट्रिलियन और 12 ट्रिलियन के मार्केट कैप को हिट किया है। तो रिलायंस पहली कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा ब्लू चिप कंपनी, मतलब सबसे बड़ा जो ब्लू चिप कंपनी कहते हैं या कहें मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद दूसरा जो है हमारा IOL शेयर, तो इसमें आप तेजी देखिएगा रिलायंस में, तो देख सकते हैं 1 मंथ में कितनी तेजी है। 1 मंथ में 20% का रिटर्न दिया है रिलायंस ने। 6 मंथ में देखिएगा तो बेहतरीन रिटर्न 6 मंथ में यहां से देख लेते हैं, तो 28% का रिटर्न। अगर जो गिरावट आया था वहां से रिटर्न देखेंगे तो गिरावट जहां से आया था वहां से 121% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। 1 ईयर का रिटर्न देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन है। 1 ईयर में भी देखते हैं, मतलब 1 साल पहले जो इन्वेस्ट किए होंगे वो भी 53% प्रॉफिट में है। 5 ईयर्स में देखिएगा, 5 ईयर्स में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 5 ईयर्स में देख सकते हैं, 283% का रिटर्न। मैक्सिमम ईयर में तो 3000 से ऊपर का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो जो मुकेश अंबानी का प्लानिंग है आगे 5G लाने का, रिटेल बिजनेस को प्रमोट करने का, तो समझ सकते हैं रिलायंस में आगे भी आग लगेगी। मतलब रिलायंस का जो स्टॉक्स है यहाँ से आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री आगे 2021-2022 के लगातार इस टारगेट को हिट करेगा, इसमें कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। सिर्फ दिक्कत है कि मार्केट में गिरावट ना आए, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है चारों ओर तो वो तो बहुत ख़राब है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि सिचुएशन चारों तरफ का ख़राब है, फिर भी मार्केट नया पे नया हाई बनाते जा रहा है, तो ऐसे में इसमें थोड़ा करेक्शन भी आ सकता है। फिर मार्केट अगर तेजी पकड़ती है तो फिर से इसमें तेजी आ सकती है, तो इस तरह का इसमें कुछ कंडीशन बना रह सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करें, बिना स्टॉप लॉस का इन्वेस्ट कभी भी ना करें, मतलब पोजीशन कभी भी ना बनाएं। उससे अच्छा होगा कि आप इसमें थोड़ा सा वॉच करें, अभी वेट एंड वॉच, करेक्शन आता है तो उस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिलायंस में अभी लगातार नया पर नया न्यूज़ आते जा रहा है। अगर आप इन सारी न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा, जब भी आता है, हम सारे जो स्क्रीनशॉट होते हैं उस न्यूज़ का टेलीग्राम चैनल पर आपको देते रहते हैं, तो उससे आप लगातार स्टॉक मार्केट में अपडेट रहेंगे, क्या हो रहा है, मतलब कौन से स्टॉक में अभी काफ़ी तेज़ी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे जो न्यूज़ होते हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपने सब्सक्राइबर के साथ, मतलब जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर करते रहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जो सपोर्ट और लेवल्स की बात करना अभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अभी जो तेज़ी है ये तेज़ी आगे भी बनी रह सकती है या तेज़ी जो है ख़त्म भी हो सकती है। तो इसका अलग अलग वीडियो बनाएंगे, इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, रिलायंस का कौन सा लेवल्स और टारगेट होना चाहिए, तो उसमें हम आपको सारे लेवल्स और टारगेट बताते हैं। तो जो हम इंडिविजुअल वीडियो बनाते हैं किसी भी शेयर का, तो उसके बाद दूसरा शेयर देख लेते हैं जिसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिली है इन दिनों, वो है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। दोस्तों इसमें काफ़ी 10% की तेज़ी देख, हम तो 5% ही आपको शुरू में बोले थे, इसमें 10% की तेज़ी है। 5 डेज में रिटर्न देखेगा तो और भी बेहतरीन है। 5 डेज में यहाँ से आप देख लीजिए, 5 डेज 40% का रिटर्न। 1 मंथ का देख लेते हैं, 1 मंथ का रिटर्न यहाँ से 105% का रिटर्न। 1 महीना में आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसको डबल कर दिया, 100% का रिटर्न, मतलब जितना आप इसमें इन्वेस्ट किए थे अगर 10,000 किए थे, 10,000 आपको प्रॉफिट भी ये दे दिया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है दोगुना हो गया। फिर 6 मंथ की बात करते हैं, 6 मंथ में यहाँ पर देख सकते हैं 334%, मतलब 6 महीना पहले जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था उनका जो रुपया है वो 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स,
मतलब आपको प्रॉफिट ये मात्र दिया, सिर्फ प्रॉफिट आपका दिया 334%, आपका जो टोटल वेल्थ हो गया वो कितना हो गया आपके पास 4 गुना, मतलब 10,000 था, अब आपका जो टोटल वेल्थ होगा वो 40,000 होगा अभी अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तब। उसके बाद एयरटेल डेट में देखिए तो भी काफ़ी बेहतरीन, मतलब ये शेयर नया पे नया हाई बनाते जा रहा है, इसमें रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। 1 साल में देख सकते हैं यहाँ पर पैंडेमिक सिचुएशन थोड़ी सी गिरावट आया था, उसके बाद लगातार ये नया पर नया हाई देते जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो गिरावट से ये जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे चुका है, जिन्होंने भी गिरावट में इन्वेस्ट किया था 373%, इतना प्रॉफिट आपको मिला है आपके इन्वेस्टमेंट पे 373% का। उसके बाद 5 ईयर्स में देखिएगा तो भी काफ़ी बेहतरीन है। मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो मैक्सिमम ईयर में भी चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, मतलब यहाँ से जो है पैंडेमिक सिचुएशन में जो गिरावट आया यहाँ से इस स्टॉक में आग लगी हुई है, तो हो सकता है ये ऑपरेटर का भी खेल हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये स्टॉक्स जो है देखते हैं मात्र इसका कुछ ही बिलियन इसका मार्केट कैप है, तो ये भी बात ध्यान में रखना है कि अगर कोई बड़ा इसमें ऑपरेटर घुस गया है, मतलब इस स्टॉक को ऑपरेट कर रहा है, तो आपको हायर लेवल्स पे फंसने से बचना चाहिए। तो इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट का भी स्ट्रेटेजी होगा, अभी आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित है कि आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर पोजीशन बनाते हैं कि हम भी मतलब आप भी चाहते हैं कि इसमें इसके तेजी का फायदा लिया जाए तो स्टॉप लॉस के साथ मतलब इसमें पोजीशन बनाएं, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाएं, जैसे जैसे प्राइस ऊपर स्टॉप लॉस ऊपर, प्राइस ऊपर स्टॉप लॉस ऊपर, मतलब अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लेते चलना है, लगातार खिसकाते जाना है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस डोंट इन्वेस्ट, डोंट मेक पोजीशन। अगला है हमारा भारत रशियान, ये भी स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, इस स्टॉक में भी काफ़ी तेजी देखने वाला है पीछे कुछ दिनों से, यहाँ से देख सकते हैं 5 डेज में 28% का रिटर्न, 1 मंथ में तो 1 मंथ में भी काफ़ी तेजी आपको देखने मिलेगा, 1 मंथ में 35% रिटर्न, 6 मंथ में तो 6 मंथ में भी यहाँ देख लेते हैं 6 मंथ में इसका रिटर्न 53%। अब यहाँ से पैंडेमिक सिचुएशन में जो गिरावट आया था वहाँ से 100%, मतलब जो भी गिरावट में इसमें बाय किए होंगे यहाँ पर उनको 100% का रिटर्न, मतलब उनका जो कैपिटल है वो 2 टाइम्स हो गया, मतलब अगर 20,000 वो इन्वेस्ट किए तो अब उनके पास जो कैपिटल होगा अगर बुक करेंगे प्रॉफिट तो 40,000 हो जाएगा। तो ये भी बेहतरीन शेयर है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट करें तो लॉन्ग टर्म में भी ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, तो देख सकते हैं ये शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म दोनों में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। फिर मैक्सिमम में बात करते हैं तो मैक्सिमम में तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं, 34,000% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है इसका। तो ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको मार्केट में ढूंढने चाहिए कि कहाँ मिलेगा, कौन से वैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स है जो कि आपको एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अब इसमें बात करते हैं स्ट्रेटेजी का, अभी आपको इन्वेस्ट करनी है इसमें तो इसमें वेट एंड वॉच करें। अगर आपको चाहते हैं कि इस जो लहर उठा है इसका फ़ायदा लें, मतलब इसमें आप भी अपना हाथ धोना चाहते हैं, इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ जाएं, क्योंकि जिसमें जितनी तेज़ी आई है उसमें उतना बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो इसके साथ साथ जो बिजनेस है उस पर ध्यान बनाए रखें, इसके प्रॉफिट पर, क्योंकि अभी बहुत सारे कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए इसमें इन्वेस्ट करें कि जैसे इनका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को ध्यान रखें। अगर लगातार कंपनी ग्रो कर रही है, बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, तो निश्चित है ये स्टॉक्स फिर आगे जाता चलेगा, मतलब इसमें तेज़ी बनी रह सकती है। तो सारे पैरामीटर्स पे आपको जज करना है, और जब भी इन्वेस्ट करना है अभी मतलब जिसमें आग लगा हुआ है, जिस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी है, स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करनी है आपको। उसके बाद अगला है हमारा भारत फोर्ज, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक से देखते हैं, 13.50 रुपये का इसमें तेज़ी देखने मिला है, आज जो ये क्लोज हुआ है 368 रुपीज़ पर, वहीं भारत रशियन क्लोज हुआ था 9,750 रुपीज़ पर, IOL क्लोज हुआ 764 रुपीज़ पर, और रिलायंस पहुँच चुका 1,938 रुपीज़ पर, मतलब 1938 रुपये पर पहुँच गया, IOL पहुँच गया 764 रुपये पर, वहीं भारत रशियान पहुँच गया 9,750 रुपये पर, वहीं भारत फोर्ज ये पहुँच गया 368 रुपये पर। अब इसमें देखिएगा तो रिटर्न 5 डेज में इसमें लगभग फ्लेट रहा है, कुछ खास तेज़ी देखने नहीं मिला है, तो 0.82% का। 1 मंथ में बात करें, 1 मंथ में भी खास तेज़ी इसमें देखने नहीं मिला है, 8% का मात्र। 6 मंथ में
सिक्स मंथ में इसमें काफ़ी गिरावट आपको देखने मिल रहा है, सिक्स मंथ में 29% का गिरावट। तो ये इसमें कुछ खास तेज़ी सिक्स मंथ में नहीं है, मतलब इस कुछ दिनों से इसमें तेज़ी आपको देखने मिल रहा है। इधर जो पाँच दिन है इसमें काफ़ी फ्लैट रहा है, लेकिन आज जो है इसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला था। देखते हैं 3.81% का तेज़ी आज देखने मिला था, तो हो सकता है तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है या इसमें फिर से करेक्शन भी आ सकता है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है, अगर तेज़ी बनी रहती है तो आप इसके मतलब तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ जा करके। ऐसे आप इसमें वेट एंड वॉच करें, करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद अगला जो बेहतरीन स्टॉक्स है जिसमें काफ़ी तेज़ी देखने मिला है कई दिनों से, वो है डॉक्टर लाल पैथले। इसका करेंट प्राइस है देखते हैं 1886 रुपया, 1886 रुपीज़, और इसका वो एक दिन में देखते हैं 5.83% की तेज़ी इसमें है। 5 डेज में देखिएगा तो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी है। वहीं आप बात करें 5 डेज में तो 10% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को 5 डेज में। 1 मंथ में बात करें, 1 मंथ में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 18.66% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में बात करें, 6 मंथ में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, देखते हैं 17.59%, 6 मंथ में इतना 17.59% का रिटर्न। वहीं जो इसमें पेंडेमिक के कारण गिरावट आया था वहाँ से देखें तो 50% का रिटर्न, समझ सकते हैं 50% का रिटर्न दे चुका है। यहाँ जो पैंडमिक सिचुएशन में गिरावट आया था तो ये स्टॉक पहुँच चुका था 1251 रुपये पर, और इसमें फिर रिकवर हुआ, फिर से थोड़ा सा इसमें गिरावट आया 1339 रुपये तक ये स्टॉक गया, और वहाँ से जो तेज़ी देखने मिला है फिर से इसमें आपको गिरावट कहीं देखने दिखाई नहीं देगा। देख सकते हैं कहीं पर भी गिरावट आपको दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आप इसका 5 ईयर्स का चार्ट देखिएगा, वो भी काफ़ी बेहतरीन देखते हैं 5 ईयर्स में। यहाँ से आप देख लीजिए 5 ईयर्स में इसका जो रिटर्न है 110%, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये भी, और एक मिड कैप स्टॉक्स है। तो ये 5 स्टॉक्स थे जिसमें काफ़ी अभी तेज़ी देखने मिला है। इन सारे स्टॉक्स में जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ, अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हैं चाहे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ जाएं, या तो वेट एंड वॉच करें, करेक्शन आता है तब इन्वेस्ट करें। मार्केट के डायरेक्शन को देखें, मार्केट 11,000 क्रॉस करेगा या मार्केट 10,000 पे आएगा, तो मार्केट 11,000 भी जा सकता है। अगर आप बुलिश हैं तो उसके लिए इन्वेस्ट करें, अगर बेयरिश हैं 10,000 का देख रहे हैं लेवल तो फिर आप वेट एंड वॉच करें। और हमारे चारों ओर का जो अभी सिचुएशन है वो तो बिल्कुल ख़राब है, तो सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।